डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वॉयस, जो इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वॉयस है क्या? तो वॉयस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड इन अ सेंटेंस that shows that either a subject does something or something is done to the subject। क्या मतलब हुआ? तो वॉयस वर्ब का वह फॉर्म है जो ये दर्शाता है कि या तो सब्जेक्ट कुछ काम करता है, कुछ करता है, और समथिंग इज़ डन टू द सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट के साथ कुछ घटना घटित हो रही है या घटित होती है। तो हिंदी में भी हमें एक्सप्लेन करना चाहिए। वॉयस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है जो दर्शाता है कि या तो करता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर कुछ घटित होता है। अब आगे जानते हैं कि वॉयस कितने प्रकार के होते हैं। वॉयस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो वॉयस इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट एक्टिव वॉयस, सेकेंड पैसिव वॉयस। तो अब आते हैं हम लोग डिफिनेशन पर कि एक्टिव वॉयस किसे कहते हैं और पैसिव वॉयस किसे कहते हैं। वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉयस। व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट द सब्जेक्ट समथिंग, यानी उस वर्ब को एक्टिव वॉइस में माना जाता है जब उसके फॉर्म ये दर्शाते हो, सोर्स करते हो कि सब्जेक्ट कुछ करता हो। नाउ सेकेंड पैसिव वॉइस तो बोलेंगे अ वर्ब is said to be in the passive voice when its form shows that something is done to the सब्जेक्ट। यानी उस वर्ब को पैसिव वॉयस में माना जाता है जब उसके फॉर्म ये शो करता हो कि समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के साथ कुछ घटना घटित हो रही है या घटित होती है।
अब बात करते हैं हम लोग कुछ बेसिक रूल्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले नोट करेंगे सम बेसिक रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट रूल है एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है हमेशा वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब 3 प्रयोग किया जाता है। थर्ड नंबर अति आवश्यक हो तभी पैसिव वॉयस में एजेंट का प्रयोग किया जाता है। तो ये था कुछ बेसिक रूल्स। अब हम लोग चलते हैं पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसके ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाएंगे और उस सब्जेक्ट के अनुसार ही इज एम आर का प्रयोग होता है और फिर वर्ब 3 का यूज़ करते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। आई ईट अ मैंगो, ये है प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस और जब तक वो टेंस का सेंटेंस होगा वो कहलाएगा एक्टिव वॉइस, यानी कि जहाँ पर सब्जेक्ट कोई काम करते है शो करता हो तो वैसे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे अ मैंगो और इसके अनुसार ही इस एम आर का प्रयोग करते हैं। तो अ मैंगो इज ईटन बाय मी और ये हो गया पैसिव वॉइस। फिर सेकेंड, सी सिंग्स अ सॉन्ग, ये है एक्टिव वॉइस। यहाँ ऑब्जेक्ट है सॉन्ग तो लिखेंगे अ सॉन्ग इज संग बाय हर, ये हो गया पैसिव वॉइस। फिर एक और सेंटेंस लेते हैं, वी कीप द बटर हियर, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है हमारा द बटर तो लिखेंगे द बटर इज केप्ट हियर।
एक और सेंटेंस हम लोग लेते हैं यहाँ पर, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हिंदी, तो लिखेंगे हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। जब तक बहुत आवश्यक नहीं हो तब तक एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर इस एजेंट का डिस्क्राइब करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे मेक दिस टाइप्स ऑफ फर्नीचर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है दिस टाइप्स ऑफ फर्नीचर, दिस टाइप्स ऑफ फर्नीचर आर मेड, ये हो गया पैसिव वॉइस। एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं, वी यूज दिस रूम ओनली ऑन सम स्पेशल ओकेजन्स, ये हो गया एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है दिस रूम, तो लिखेंगे दिस रूम को सब्जेक्ट बनाते हुए लिखेंगे दिस रूम इज़ यूज्ड ओनली ऑन सम स्पेशल ओकेजन्स, ये हो गया पैसिव वॉइस। अब हम लोग चलते हैं पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की तरफ। तो स्ट्रक्चर इसका ध्यान में रखेंगे हम लोग, सबसे पहले जो भी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा उसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जो उसमें ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और फिर उसी सब्जेक्ट को हम लोग यूज़ करते हैं, और उसके अनुसार इज़ एम आर का यूज़ करते हैं, और फिर बींग लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब थ्री। अब हम इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। आई एम ईटिंग अ मैंगो, ये है एक्टिव वॉइस। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है अ मैंगो, तो लिखेंगे अ मैंगो, इसको बना दिया हम लोग सब्जेक्ट, इसके अनुसार इज लगेगा, फिर उसके बाद इसका एनजी को हटाते हैं और उसे एक नए फॉर्मेट में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा बींग। क्यों ऐसा करते हैं, वो इसलिए कि वर्ब को हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ही लिखा जाता है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर बींग, और तब हो जाएगा ईटेड ईटन, वर्ब थ्री ईटन बाय मी, यानी एजेंट यहाँ पर चाहे तो पर्सनल है यहाँ, इसलिए हम लोग यहाँ पर एजेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ पैसिव वॉइस। नाउ सेकेंड, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, और
और इसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं हम लोग सब्जेक्ट, तो लिखेंगे क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, यहाँ पर बाय द बॉयज़ नहीं लिखेंगे, यानी जो एजेंट यहाँ पर बाय द बॉयज़ है वो नहीं लिखेंगे, वो इसलिए कि जो ऑलरेडी अंडरस्टूड हो, यानी कोई घटना घटित होते हुए दिखाया जा रहा हो या बताया जाता हो तो वहाँ पर एजेंट का डिस्क्राइब करना अनिवार्य नहीं होता है। यानी कोई घटना अगर अपने आप में ऑलरेडी और कम्प्लीटली अंडरस्टूड हो तो वहाँ पर बाय एजेंट यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, द क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड, यानी कोई ऐसी घटना जिसमें एजेंट का यूज़ करना ज़रूरी नहीं बनता हो तो वहाँ पर एजेंट यूज़ भी नहीं करेंगे। नाउ थ्री नंबर, दे आर रिपेयरिंग द रोड, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द रोड, तो लिखेंगे द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, और यहाँ एजेंट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ ज़रूरी नहीं बनता है, क्योंकि ये घटना अपने आप में या कोई काम अपने आप में कंप्लीट होता हुआ प्रतीत हो रहा है और यहाँ डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये भी ध्यान रखेंगे पब्लिक मैटर हो तो वहाँ पर भी एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हो गया, कुछ और सेंटेंस भी हम लोग लेते हैं। नौ नंबर फोर, वी आर डूइंग नथिंग अगेंस्ट यू, तो यहाँ पर वर्ब के बाद है जो भी यहाँ नज़र आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है, तो लिखेंगे नथिंग इज बीइंग डन अगेंस्ट यू। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनने वाला था यानी जो एजेंट बनने वाला था उसे हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पब्लिक मैटर हो जाता है, ये वी पब्लिक मैटर होता है, इसलिए हम लोग एजेंट के रूप में यहाँ यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ अनिवार्य नहीं माना जाएगा, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर वर्ब के बाद जो यहाँ शेष बचता है उसे हम लिखते हैं अगेंस्ट यू, पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम लोग यहाँ पर, अब्दुल इज क्लीनिंग द कार, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द कार, तो लिखेंगे द कार एज ए सब्जेक्ट, द कार इज बीइंग क्लीन्ड, क्योंकि पर्सनल मैटर यहाँ पर रखता है इसलिए यहाँ पर हम लोग एजेंट ग्रुप में बाय अब्दुल लिख देंगे। दिस इज पैसिव वॉइस। एंड नेक्स्ट है सी इज ड्राइंग अ पिक्चर, तो अब यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट अ पिक्चर, और इसे हम लोग क्या करते हैं तो सब्जेक्ट बनाते हैं, अ पिक्चर इज बीइंग सॉरी ड्रॉन, और चूंकि यहाँ पर पर्सनल मैटर है इसलिए एजेंट क्रू में बाय हर लिखेंगे ही। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। और अब चलते हैं हम लोग पैसिव वॉइस ऑफ
परजेंट, परजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो स्ट्रक्चर पर हम लोग ध्यान देंगे, क्या रूल्स हैं उसके। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी जो भी ऑब्जेक्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस में, जो ऑब्जेक्ट नज़र आएगा उसे हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। फिर उसके अनुसार हम लोग हैज़ या हैव लिखेंगे, फिर उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद फिर वर्ब थ्री का यूज़ करेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इसको। आई हैव फिनिश्ड द वर्क, दिस इज द एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द वर्क, और इसे हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट। द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड। चूँकि हम पर्सनल मैटर है तो एजेंट के रूप में आई यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में जब लिखने लगेंगे सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट बनाएंगे एजेंट के रूप में लिखने के लिए, तो बाय मी लिखेंगे। ये हो गया पैसिव वॉइस। नाउ सेकेंड सेंटेंस है, दे हैव सीन द घोस्ट। तो यहाँ पर द घोस्ट क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। द घोस्ट हैज बीन सीन। चूँकि पब्लिक मैटर यहाँ पर है इसलिए एजेंट ग्रुप में दे को यूज़ नहीं करते हैं, तो हैज बीन सीन कंप्लीट हो जाता है। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस है, द पुलिस है काउट द थीफ। अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है द थीप, ऑब्जेक्ट है थीप, तो उसे हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट, द थीप, द थीप THEIF हैज़ बीन काउट। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि एजेंट के रूप में बाय द पुलिस नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे कि ये ऑलरेडी अनस्टूड है कि चोर को अगर पकड़ा जाता है तो पुलिस के द्वारा है, पुलिस को ही राइट है चोर को पकड़ने का, इसलिए यहाँ पर बाय एजेंट ग्रुप में द पुलिस नहीं लिखेंगे। यानी हमेशा याद रखें, जो जिस सेंटेंस में ऑलरेडी अनस्टूड हो कोई घटना, तो वहाँ पर एजेंट को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। नाउ नंबर फोर, समवन हैज़ ब्रोकन माई बेस। बेस मतलब होता है क्या, गुलदान। तो यहाँ पर ये हो गया एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है माई बेस, उसे लिखेंगे सब्जेक्ट ग्रुप में, तो माई बेस हैज़ बीन ब्रोकन। यहाँ ये ध्यान रखेंगे जहाँ पर फेस क्लियर नहीं हो, जैसे समवन, या फिर इसी तरह का, या फिर द पब्लिक लिखा रहे, तो यानी जब फेस क्लियर नहीं हो, यानी कि पर्सनल मैटर नज़र नहीं आता हो एजेंट ग्रुप में, तो उसे डिस्क्राइब करना ज़रूरी नहीं होता है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं यहाँ पर, आई हैव किल्ड द बर्ड। तो यहाँ पर द बर्ड क्या है, तो ऑब्जेक्ट, और उसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं हम लोग सब्जेक्ट, द बर्ड हैज बीन किल्ड।
चूँकि यहाँ एजेंट पर्सनल मैटर रखता है, तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं बाय मी। और चाहें तो हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि कोई घटना अपने आप में पूर्ण मानी जाती है। अगर कोई घटना अपने आप में पूर्ण मानी जा रही हो, ऑलरेडी अंडरस्टूड हो, ज़रूरी नहीं बनता हो कि वहाँ पर हम लोग एजेंट यूज़ करें। तो बाय मी लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सिक्स नंबर है, राम हैज़ बिल्ट द हाउस। दिस इज द एक्टिव वॉइस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द हाउस, तो लिखेंगे द हाउस हैज़ बीन बिल्ट। यहाँ पर भी कोई घटना ऑलरेडी अंडरस्टूड है, मतलब ऑलरेडी में सेंस लगाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर एजेंट को उल्लेख करना जरूरी नहीं है। तो हमने इस बार नहीं लिखा बाय राम, एजेंट ग्रुप में नहीं लिखा, तब भी ये सेंटेंस कम्प्लीटली अंडरस्टूड माना जाता है, इसलिए इसे बिल्ड तक ही लिखा जाएगा। अब आता है नंबर फोर, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब थ्री। ये इसका स्ट्रक्चर था, यानी इसका रूल था। बट यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। इसलिए हम लोग इसके बारे में कोई एग्जांपल पर विचार ही नहीं करेंगे। ओके, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे वॉइसेस के बारे में विचार करेंगे।